तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन के दूसरे दिन सीएम केसीआर ने सीएए और एनपीआर को लेकर कई अहम बातें कहीं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि खुद उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मजीद जानकारी के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाजह किया है कि सीएए और एनपीआर पर तफसीली बहस की जरूरत है। उन्होंने असेंबली में कहा कि जमहूरियत में इख्तलाफ राय फितरी बात है। उन्होंने कहा कि सीएए और एनपीआर काफी अहम मसला है, इस पर बहस होनी चाहिए, ताहम मुबाहस एक दिन में मुकम्मल नहीं हो सकते। उन्होंने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से ख्वाहिश की कि इस मसले पर तमाम अरकान को बहस का मौका फराहम करें, ताकि हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिल सके। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी पार्टी ने पार्लियामेंट में सीएए की मुखालिफत की थी। मुल्क की 5 असेंबलियों में इस पर मुबाहस हो चुके हैं। रियासत की राय से मरकज चाहे इत्तेफाक करे या ना करे, ये अलग बात है। हमें मरकज को हमारे एहसासात से वाकिफ करवाना होगा। ऐवान में इस मसले पर करारदाद मंजूर की जाएगी और उसको मरकज को भेजा जाएगा। इस दौरान सीएम केसीआर ने दावा किया कि खुद उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे में वो कहां से अपने वालिद की पैदाइश का सबूत पेश कर सकते हैं। असेंबली में खिताब करते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि वो एक गांव में पैदा हुए, उस वक्त कोई हॉस्पिटल नहीं था। उनकी पैदाइश के बाद घर वालों ने गांव के बड़े शख्स को तलब करते हुए उनकी पैदाइश की जन्म पत्रिका हासिल की। उस जमाने में जन्म पत्रिका ही पैदाइश के सबूत के तौर पर हासिल करते थे, जो अब तक उनकी बीवी के पास महफूज है। उन्होंने कहा कि एक आला जात से ताल्लुक रखने वाले बर्थ सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकते, तो एनआरसी में किस तरह दलित और गिरिजन अपनी पैदाइश के सबूत को पेश करेंगे।